बीघा, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चकपाद बीएलएम श्री विजनगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर भारत का इतिहास, इसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है कनिष्क प्रथम, इसकी शासन अवधि जो है 78 से 101 ईस्वी के मध्य बताई गई है। अर्थात कनिष्क प्रथम जो कि कुषाण वंश का प्रमुख शासक था, इसने कि 78 से लेकर 101 ईस्वी तक शासन किया था। कल के टॉपिक में हमने कनिष्क प्रथम से पहले हमने कुषाण वंश के प्रमुख शासक कुजूल कैडफिसिस, विम कैडफिसिस और उसके बाद गद्दी पर बैठे कनिष्क प्रथम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ ही हमने कनिष्क प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कनिष्क प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसके अलावा बौद्ध धर्म में उसका दिया गया योगदान, कला के क्षेत्र में क्या योगदान था इसका, या फिर चतुर्भुज समिति का आयोजन जो कि कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर कनिष्क के समय में हुई थी, इस चतुर्भुज समिति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और ऋषभ घोष जो थे जो इसके उपाध्यक्ष रहे थे। और इसके साथ ही हम कनिष्क प्रथम का मूल्यांकन करेंगे। तो संक्षेप में आपको फिर एक बार बता देते हैं कि सातवाहन वंश की समाप्ति के पश्चात यूनानी भारत में आए, उनके पश्चात शकों का शासन रहा, फिर उसके पश्चात हिंद पार्थियन यानी कि पहलव के वंश के शासक भारत में हुए और पहलव के पश्चात अर्थात पार्थियन लोगों के बाद भारत में कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था। तो कुषाण कौन थे इस बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया गया है। तो कुषाण की उत्पत्ति मूल निवास स्थान एक विवादस्पद प्रश्न रहा है। इतना निश्चित है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जातियों में से अर्थात यूनानी शकों में से ये भी एक पार्थियन, इन में से कुषाण भी एक आक्रमणकारी जाति थी। और चीनी इतिहासकारों के अनुसार ये यूची जाति की एक शाखा रही थी और ये लोग खानाबदोश थे और चीन के सीमांत प्रदेशों में रहने लगे थे, लेकिन उन जाति से प्रभावित होकर ये लोग तिब्बत और बैक्टीरिया में आकर बस गए थे कुषाण जाति के लोग। तो भारत में वो कुषाण शासक पहला था कुजूल कैडफिसिस अर्थात कुषाण वंश का संस्थापक इसे माना गया था, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में भी प्राप्त की थी। संक्षेप में एक बार फिर इनके बारे में बता देता हूँ। इसके बाद अद्दी पर बैठे विम कैडफिसिस और उसके पश्चात बैठे कनिष्क प्रथम जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और महान सम्राट रहा था। तो कनिष्क प्रथम की राज्यारोहण की जो तिथि है वो 78 ईस्वी बताई गई है और 78 ईस्वी में ही कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था। इसे सरकार के द्वारा यह जो शक संवत है इसे भारत सरकार के द्वारा आज भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संप्रेषण और संरक्षण प्रदान किया था। तो कनिष्क प्रथम बौद्ध धर्म का प्रचारक था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसने अपना तन धन लगा दिया था। इसके अलावा कनिष्क के राज्य की जो राजधानी थी वह थी पेशावर अर्थात पुरुषपुर, इसके राज्य की राजधानी थी। और दूसरी राजधानी जो थी इसके समय में वो थी मथुरा। तो कनिष्क के समय में दो दो राजधानियां रही, नंबर एक पेशावर पुरुषपुर, नंबर दो मथुरा। तो इसके अलावा अन्य शासक हुए कुषाण वंश में, उसके नाम थे वशिष्ठ ओविष्ठ जिसे कनिष्क द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम जो शासक था इसका कुषाण वंश का वह था वसुदेव, अंतिम शासक वसुदेव था कुषाण वंश का।
इसके बाद हमने कल की वीडियो में कृषि प्रसंग की उपलब्धियां के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कल हमने कृषि प्रसंग की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत कृषि ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। कश्मीर के सौंदर्य से कृषि काफी प्रभावित भी था, अतः वह उसे जीत कर अपने राज्य में शामिल करना चाहता था। अपने जीवन काल में ही उसने अपनी यह इच्छा पूरी भी की और कश्मीर पर आक्रमण कर वहां पर विजय प्राप्त की थी। कलर की राज तिरंगनी से इस बात की पुष्टि भी हो जाती है। कृष्ण ने कश्मीर को जीत कर वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया था कनिष्क ने, और उसने काशगर, यारकंद, खोतान आदि राज्यों पर विजय प्राप्त भी की थी। नेक्स्ट है सफेद और पाटलिपुत्र। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था और उसने वहां के नरेश कोटपुर नरेश को पराजित कर युद्ध का हर्जाना मांगा। तो इस पर पाटलिपुत्र नरेश कोटपुर नरेश ने युद्ध के हर्जाने के रूप में कनिष्क प्रथम को अश्वघोष नामक एक बौद्ध विद्वान दिया। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध का दलपात्रों से भेंट किया। इसे पाकर कनिष्क प्रसन्न हो गया और अपनी राजधानी पेशावर में लौट आया। इसके अलावा कनिष्क के समय की कुछ मुद्राएं प्राप्त की गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने साकेत पर भी आक्रमण कर वहां पर अपनी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है पाठ्यांगों पर विजय। कनिष्क प्रथम से पूर्व कुजूल कैट सीन ने पाठ्यांगों को युद्ध में पराजित किया था। अतः अपने पराजय का बदला लेने के लिए पार्थियानों ने कनिष्क पर आक्रमण कर दिया, कनिष्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन कनिष्क ने सफल प्रतिरोध करते हुए पार्थियानों के राजा पहलों को युद्ध में पराजित कर दिया। तो इस प्रकार कनिष्क ने पार्थियानों प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की थी। डॉक्टर राजबली पांडे ने बताया भी था कि जिस समय कनिष्क पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था, संभवतः उसी समय पार्थियानों के राजा पहलव ने उस पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन कनिष्क ने सफल प्रतिरोध कर उसे पराजित कर दिया। इसके पश्चात है तीन विजय, जो कि कनिष्क की एक महत्वपूर्ण विजय के रूप में मानी गई है। तो कनिष्क ने चीन के सम्राट के पास अपना एक दूत भेजकर यह संदेश भेजा कि वह चीन की एक राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है, परंतु चीनी सम्राट ने इसे अपना मान समझा और उसने कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। इस पर कनिष्क ने अपने सेनापति को युद्ध करने के लिए भेजा। तो कनिष्क ने अपने सेनापति को 70,000 घुड़सवार सेना के साथ चीन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इस बार कनिष्क की सेना चीन के सम्राट के हाथों बुरी तरह से पराजित होती है, क्योंकि यहाँ का जो सेनापति था पान चाओ था, जो कि काफी योग्य और वीर था। अतः कनिष्क की सेना प्रथम बार पराजित हो जाती है। युद्ध में पराजित होने के बाद कनिष्क को चीन सम्राट के साथ एक संधि करनी पड़ती है। इसके अनुसार उसने उसे वार्षिक अर्थ पाने का वचन दे दिया था, लेकिन उस समय वाला चीनी सेनापति पान चाओ की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात नया सेनापति जो है पान यांग बनता है, जो कि अपने पिता की तरह योग्य नहीं था। अतः इस बात का फायदा कनिष्क फिर से उठाते हैं और दूसरी बार चीन पर आक्रमण करते हैं। इस बार कनिष्क की विजय होती है और चीनी सम्राट पराजित हो जाता है, क्योंकि जो पान यांग था अपने पिता की तरह योग्य नहीं था। इस बार चीन पराजित होता है, कनिष्क की विजय होती है। अब चीनी सम्राट को
कनिष्क के साथ एक समझौता करना पड़ता है। इसके अनुसार उसे यारकंद, खोदान, काशगर के प्रदेश कनिष्क को देने पड़ते हैं और अपनी बेटी का विवाह भी कनिष्क के साथ करवाना पड़ता है। तो एक विजेता के रूप में चीन विजय जो थी वो कनिष्क की एक महत्वपूर्ण विजय के रूप में भी मानी जाती थी। तो विमल चंद्र पांडे के अनुसार कनिष्क का जो राज्य था मध्य एशिया से लेकर सारनाथ तक फैला हुआ था। कनिष्क के साम्राज्य की जो सीमा है मध्य एशिया से लेकर सारनाथ तक फैली हुई थी। इसके अलावा कनिष्क के सिक्कों और अभिलेखों से यह पता लगता है कि वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी रहा था। भारत में उसका जो अधिकार था आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, कश्मीर, भागलपुर आदि तक था। मथुरा भी उसके राज्य के अधिकार में था। चीनी साक्ष्यों के अनुसार पाटलिपुत्र पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। साकेत भी उसके अधिकार में था। इसके अलावा कनिष्क का भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, काश्कर, खोदान, यारकंद आदि प्रदेश जो कि कनिष्क के अधिकार में रहे थे। आइए हम चलते हैं राजनीतिक मुद्दों के बाद आज के हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम कनिष्क का साहित्य और कला में योगदान को देखेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म में क्या योगदान था तथा चतुर्बोध संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है कला में योगदान, इसके बाद देखेंगे साहित्य में योगदान। सर्वप्रथम कला में योगदान, कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर में अनेक विशाल और सुंदर भवनों का निर्माण करवाया था। उसने महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण करवाया जो कि 400 फुट ऊंचा था। इस पर एक शिखर था जिसके चारों ओर महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई थी। इस प्रतिमा को देखकर लोग आश्चर्यजनित हो जाते थे। इसके अलावा कनिष्क ने पेशावर, मथुरा, कश्मीर में अनेक मठ स्तूपों का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी और तक्षशिला में सिरमुख नामक नगर जो है कनिष्क के द्वारा ही बसाए गए थे। कनिष्क के शासनकाल में गांधार नामक प्रदेश में एक मूर्तिकला शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस कला के विषय तो भारतीय हैं लेकिन इसमें यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा की जो मूर्तियां थी वो अपनी भव्यता और भौतिकतावादिता के लिए काफी प्रसिद्ध रही थी। इस शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति पाई गई है, विशाल मूर्ति पाई गई है जिसके की मस्तक नहीं है। तो यह जो मूर्ति है ये मूर्ति कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट आ गई हेडिंग हमारी, वह है साहित्य में योगदान। साहित्य में योगदान, तो कनिष्क प्रथम सदैव ही साहित्यकारों और विद्वानों को आश्रय देता था। उसका दरबार उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित रहा करता था। उसके समय के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं तो उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर एक है अशोक घोष, नंबर दो वसुमित्र, नंबर तीन नागार्जुन, चार नंबर पे चरक। अशोक घोष जिसने की बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद नामक ग्रंथ की रचना की। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद नामक ग्रंथ की रचना है वह अशोक घोष के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वसुमित्र ने महाभिभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था इसे की इतिहास में बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। वसुमित्र ने महाभिभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा
मंथन नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था। ये चिकित्सा शाला का एक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा जो कि चिकित्सा शाला का एक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा जो थे विद्वान थे पाशरक और संघरक्ष, ये कनिष्क के समय के अन्य प्रमुख विद्वान रहे थे। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन जो कि कनिष्क के समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन कनिष्क प्रथम जो था बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म से संबंधित कनिष्क के काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन है। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म काफी प्राचीन हो गया था, उसमें कुछ मतभेद दोष उत्पन्न हो गए थे। अतः इसका निवारण करने के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इससे पूर्व भी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो चुका था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालशोक के समय में वैशाली में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में किया गया था। इसी प्रकार चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन है वह कनिष्क के समय हुआ था कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर। इस बौद्ध संगीति में 500 बौद्ध भिक्षु और विद्वान शामिल हुए। यह सम्मेलन 6 मास तक चला था। वसुमित्र और अश्वघोष, वसुमित्र जो थे वो है वसुमित्र इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे थे, जबकि अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे थे। इस प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर करवाया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष जो थे वो इस संगीति के उपाध्यक्ष रहे थे। सभा का समस्त कार्य जो था संस्कृत भाषा में किया गया था। इस धार्मिक महासम्मेलन में विभिन्न विषयों और मतभेदों पर विचार विमर्श किया गया था। इस संगीति ने बौद्ध धर्म के पारंपरिक मतभेदों में कमी अवश्य की, लेकिन यह जो संगीति थी वो बौद्ध धर्म को दो भागों में बंटने से नहीं रोक पाई थी। तथा इस संगीति के प्रचार बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, नंबर एक हीन ज्ञान धर्म और नंबर दो महायान धर्म। हीन ज्ञान और महायान धर्मों में बंट गया था बौद्ध धर्म इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के द्वारा। अगला हेडिंग है हमारी बौद्ध धर्म में क्या योगदान रहा कनिष्क का, कनिष्क का बौद्ध धर्म में योगदान। तो प्रारंभ में कनिष्क का कोई भी धर्म रहा हो, लेकिन पाटलिपुत्र विजय के पश्चात कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए उसने अशोक की तरह ही तन मन और धन लगा दिया था। कनिष्क ने अशोक की तरह कई मठों स्तूपों विहारों का निर्माण करवाया, पुराने मठों की मरम्मत करवाई, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को मुक्त हस्त से दान दिया। अशोक और कनिष्क में एक अंतर था कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और वह अहिंसा का पुजारी बन गया था, लेकिन कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने साम्राज्य को और अधिक आगे बढ़ाया था। अशोक की तरह ही कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में कर
करवाया था कि जापान, तिब्बत, कोरिया आदि देशों में वो धर्म को प्रचारित किया गया। आज हमारे विश्व में अनेक जो लोग हैं वो धर्म को मानते हैं, लाखों करोड़ों लोग वो धर्म को मानते हैं। इसका जो श्रेय है वह मौर्य सम्राट अशोक, कुषाण शासक कनिष्क प्रथम तथा वर्धन वंश के प्रमुख शासक हर्षवर्धन को जाता है। अशोक की तरह कनिष्क ने बौद्ध धर्म को प्रसारित किया था। यही कारण है कि इतिहास में कनिष्क प्रथम को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित करवाई थी। वो छोटे व्यापार व्यवसाय के लिए तांबे व चांदी की मुद्रा चलाई गई थी। तांबे व चांदी की मुद्रा कुषाण शासकों के द्वारा चलाई गई थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी कहा जाता है कि कनिष्क का निधन काफी दुखी रूप में हुआ था। उसके सरदार का सेनापति उसकी युद्ध नीति से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करवा दी। कनिष्क ने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया था, अर्थात 70 से लेकर 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क प्रथम ने 23 वर्ष तक शासन किया था। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ ओविष्ठ, जिसे इतिहास में कनिष्क द्वितीय के नाम से जाना जाता है, नामक शासक हुए थे। लेकिन इन शासकों के बारे में अधिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह वासुदेव था। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो वासुदेव के काल में कुषाण साम्राज्य छीन भी होकर बिखर गया था। वासुदेव इसका राज्य के मथुरा के आसपास तक ही फैला हुआ था। कनिष्क के उत्तराधिकारी की योग्यता ही इस साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रही थी। तो कनिष्क प्रथम के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने कनिष्क प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा कनिष्क प्रथम का साहित्य कला में योगदान, बौद्ध धर्म में दिया गया योगदान तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन तथा कुषाण वंश के अन्य शासक तथा कनिष्क के उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक के बारे में समाप्त होता है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।